वहीं प्रधानमंत्री मोदी आज तेलंगाना के वारंगल दौरे पर थे। वारंगल में उन्होंने अब से थोड़ी ही देर पहले एक लंबा रोड शो किया। उससे पहले उन्होंने वारंगल को 6100 करोड़ रुपए की सौगात दी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया और तेलंगाना के सीएम केसीआर और कांग्रेस पर परिवारवादी के बहाने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी आज तेलंगाना के दौरे पर हैं और ये चार तस्वीरें इस दौरे की आपको कहानी बयां कर रही है कि सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी सुबह सुबह माँ भद्रकाली के मंदिर पहुंचे और वहां पर पूजा अर्चना की। जो गाय वहां पर थी, देखिए उनको घास खिलाते हुए नजर आए पीएम मोदी। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 6100 करोड़ परियोजनाओं का शिलान्यास किया और उसके बाद एक जनसभा को संबोधित किया। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक रोड शो भी किया और अपने रोड शो के दौरान सड़क के दोनों तरफ प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। यहाँ की राज्य सरकार ने सिर्फ चार काम किए हैं। पहला, सुबह शाम मोदी को, केंद्र सरकार को रेगुलरली गाली देने का काम किया है। पूरी डिक्शनरी इसी काम में लगाई है। दूसरा काम क्या किया है, एक परिवार को ही सत्ता का केंद्र बनाने का और खुद को तेलंगाना का मालिक साबित करने का काम किया है। इन्होंने तेलंगाना के आर्थिक विकास को चौपट कर दिया। चौथा काम क्या किया, चौथा इन लोगों ने तेलंगाना को भ्रष्टाचार में डुबो दिया। केसीआर सरकार यानी सबसे भ्रष्ट सरकार, और देखिए खेल अब तो दिल्ली तक इनके भ्रष्टाचार के तार फैल गए हैं। आप लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन इस तरह परिवारवादी राजनीति के शिकंजे में हमारा तेलंगाना फंस जाएगा। परिवारवादियों को सिर्फ अपने बच्चों, अपने बेटे बेटियों के भविष्य की चिंता होती है, उन्हें देश के, तेलंगाना के दूसरे बच्चों का भविष्य बर्बाद होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जितनी भी परिवारवादी पार्टियां हैं, उनकी नींव भ्रष्टाचार पर खड़ी होती है। कांग्रेस हो या बीआरएस, दोनों ही तेलंगाना के लोगों के लिए घातक है। मैं यहां वारंगल में देख रहा हूं, पूरे तेलंगाना में देख रहा हूं। भाइयों बहनों, ये बड़ी संख्या में आपकी मौजूदगी हैदराबाद में उस परिवार की नींद हराम कर रही है। और मैं देख रहा हूं अब तेलंगाना के लोगों ने भाजपा की सरकार बनाने का फैसला कर लिया है।